नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आई है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एमएमटीसी की तरफ से। 2019 की पहली नोटिफिकेशन है ये एमएमटीसी की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है डिप्टी मैनेजर्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 26 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन रखी गई है न्यू दिल्ली। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आवेदन करने से पहले आपको जानना जरूरी है, मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल रोजगार अवसर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन एमएमटीसी की तरफ से आई है। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट डिटेल्स की बात की जाए तो डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग के लिए 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से अनरिजर्व 6 रखी गई हैं। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं, 6 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं। डिप्टी मैनेजर लॉ के लिए 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, अनरिजर्व 2 हैं। और डिप्टी मैनेजर राजभाषा के लिए 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं और तीनों की तीनों अनरिजर्व वैकेंसीज हैं। थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है दोस्तों, लेकिन इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। अपने लक को आजमाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आवेदन करना चाहिए। जॉब लोकेशन दिल्ली रखी गई है। कुल मिलाकर के 26 वैकेंसीज निकाली गई हैं इन पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन और बाकी की डिटेल्स की बात की जाए तो डिप्टी मैनेजर के लिए मार्केटिंग के लिए 10 वैकेंसीज हैं। 40,000 से 1,40,000 रुपए के बीच सैलरी रखी गई है। एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 30 साल, हालांकि कैटेगरी वाइज एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। साथ में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा, MBA, MMS, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें भी आपको फर्स्ट क्लास की या 60% मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, जिसके लिए 40,000 से 1,40,000 रुपए के बीच में सैलरी रखी गई है। ये बिल्कुल पहले वाली सैलरी के अकॉर्डिंग ही है और इसमें भी एज लिमिट 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है। किसी भी आपने ब्रांच से अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास है फर्स्ट क्लास यानी कि 60% मार्क्स के साथ, और साथ में अगर आपने CA या CWA का कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर लॉ के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 3 रखी गई हैं, 40 से 1,40,000 रुपये इसमें भी सैलरी रखी गई है और एज लिमिट 30 साल रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन लॉ अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 साल के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस और पूरी डिटेल दी गई है, मैं सजेशन दूंगा कि एक बार आप इनको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर राजभाषा के लिए, जहाँ पर भी 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, 40 से 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी रखी गई है, एज लिमिट 30 साल रखी गई है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने हिंदी में या इंग्लिश में किया हुआ है, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि हिंदी या इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर रहो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए का आवेदन शुल्क रखा गया है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर CBT और इंटरव्यू यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सैलरी जैसे कि मैंने आपको बताया 40 से 1,40,000 रुपए पर मंथ के बीच में रखी गई है, तो सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि mmtclimited.com है। वहां पर जाकर के आप अपने फॉर्म को फिलअप कर देंगे, डिटेल्स भर देंगे और लास्ट में अपने फॉर्म को सबमिट करके सेव करना मत भूलिएगा आगे के फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। 30 जनवरी 2019 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 20 फरवरी 2019 तक ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन पूरी तरीके से दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट mmtclimited.com पर जाकर के आपको इससे रिलेटेड सारी जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी। हालांकि इसके लिए आवेदन करने का लिंक और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसके लिए आवेदन करने से पहले एक बार आप पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ जरूर लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।